9-10 महीने के बच्चे हैं ना ये दोनों, बराबर दोनों ही मालवा हैं यार। किच्चा मेरे को एक बात बताऊँ, ये मालवा की हाइट कितनी बढ़ जाती है एक साल में? एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी बढ़ सकती है आपकी? तो उनके ऊपर इतना है ना, घर में जो अच्छा हाइट वाला बच्चा है तो 36-38 ले आता है, कोई अच्छी हाइट वाला है तो वो 40 भी आ जाती है, ये उनकी नस्ल पर डिपेंड करता है ग्रोथ पे। क्या इरादा है इनको खस्सी कराने का कि ऐसी नर पे रखेंगे इनको अपन? क्यों लगा ऐसा? खस्सी थोड़ा जानवर अच्छा बन जाता है, तगड़ा हो जाता है, नर में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। पर यार मैंने तो देखे अभी जैसे लोग बाग बनाते हैं तो नर बकरे भी बहुत भारी भारी बना देते हैं, वो तो बनते हैं, वो खूबसूरती भी रहती है उनमें, फिर वो रुआब भी रहता है, बाल खड़े रहते हैं, झालर नीचे से बढ़िया रहती है, आंखें वो दबंग आंखें रहती है उनकी, वो थोड़ा रुआबदार बकरा दिखता है वही ना, खस्सी में वो सब चीज खत्म हो जाती है। ये मंतिक दूर हो गई अब लोगों की कि जी जो पहले सोचते थे ना कि नर बकरा पनपता नहीं है, पनपता है ना वो भी वो अपने ऊपर ही था उसको। अभी माशाल्लाह से यार ये 10 महीने का बच्चा दिख रहा है मेरे को, उसको दूध वूध मिला नहीं मिला, इनको दूध मिला नहीं मिला, वो हाँ बकरी का ना इनके, इनको दूध मिला के अच्छा। ये दोनों मालवा बच्चे और ये बहुत बहुत वाइट खूबसूरत एकदम सिंगे सिक्के भी एकदम खड़े एकदम, इसके वाइट सिंग है, इसके वाइट सिंग है, वाइट सिंग है, लाल आंखें हैं इसकी, मुझे पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही, लाल आंखें हैं इसकी, बहुत ही शानदार बच्चा है ये वाला तो बहुत ही शानदार है यार। ये लंबाई बहुत इसने जल्दी पकड़ ली अच्छी खासी, ये भी गुलाबी चमड़ी पे बकरा है, बहुत खूबसूरत बहुत शानदार जानवर है ये आया। ये बकरे इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे, ये 2021 की बकराईद के बाद के बकरे हैं, तो इन्हें ये दो बकरों को हमने रखा है पालने के लिए, इंशाल्लाह वक्तन बा वक्तन इनकी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो तो आपको अभी मिल जाएगी, ये 10 महीने के बच्चे हैं, आप लोग अभी देख लीजिए इन्हें, और वक्तन बा वक्तन हम लोग हर 2 महीने बाद इनकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं डालूंगा मैं अगली बकराईद को जब हम इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की चीज़ बताएंगे कि हम लोगों ने इन्हें कैसे रखा कैसे पाला। अभी लगभग इन लोगों का इसका वेट 30 किलो पे होगा, 30 से 35 किलो पे इसका वेट होगा, और हाइट आखिर चाचा हाइट कितनी होगी इसकी? हाँ 30, इसकी 29 से 30 हाइट में मान के चलता हूँ कि इस बकरे की होगी, थोड़ा ये उठान पे है लंबा है, इसकी उसकी भी 28-29 हाइट होगी इस बकरे की। तो अभी ये बकरा है 25 से 30 किलो के बीच, और ये है 30 से 35 किलो के बीच ये वाला बकरा, और अरे 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 ये लुक छोड़ दिया मैंने, तब फिर से करो, फिर से उचकेगा, अच्छा मिल जाएगा मेरे को वीडियो के लिए, फिर से उचकाओ इसको। तो ये बकरा है 25 से 30 किलो के बीच, 28 इंच इसकी हाइट होगी, तो ये रॉयल का साटा है, और ये है डबल वेनिला और रॉयल कसाटा। बाप रे बाप, ये दाना खाने की स्पीड देखिए आप इनकी, ये बच्चे माशाल्लाह से खाते हैं अच्छा खाते हैं, तो ये बकरे इंशाल्लाह इनका वजन जल्दी बढ़ेगा,
और बहुत माशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हेवी वेट पर बन जाएंगे ये, क्योंकि ये अभी अंडुल हैं और इतना खा रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत खाते हैं दाना, बहुत खाते हैं माशाल्लाह से। अब इनकी चालू हो गई है खिलाई पिलाई, चालू हो गई है अच्छे से, ईद ख़त्म हुई है अभी, अब ईद के बाद हम लोगों ने इनकी खिलाई पिलाई चालू कर दी है। अब इंशाल्लाह जैसे भी जैसे जैसे इनकी प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कैसी क्या प्रोग्रेस चल रही है, और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा इन सबकी एक फुल वीडियो भी बनाएंगे हम लोगों ने कि क्या इनकी प्रोग्रेस हमने की है, किस तरह से इनको बनाया है। अभी हम मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कितने वेट पर हैं ये, क्या इनकी हाइट है और उम्र क्या है इनकी, 8-9-10 महीने के आसपास इन लोगों की उम्र है माशाल्लाह से। और ये दोनों मालवा ब्रीड के हैं, क्लासिक मालवा इन लोग ये हैं, दोनों के सिंग कान क्लासिक मालवा जो गोट्स होती हैं बकरे होते हैं उनकी तरह हैं इनके सिंग और कान। हाइट वेट ये थोड़ा झालर पे आया है बकरा, इसकी जो गला पट्टी है बहुत शानदार खूबसूरत निकली है और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि और भी खूबसूरत निकलेगी इंशाल्लाह। इन्हें हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बहुत हेवी गोट करेंगे और अगले साल आने वाली ईद पर इन लोगों की वीडियो आपके सामने आएगी इनके नाम के साथ और इनके रुआब के साथ। और इंशाल्लाह ये वाला खस्सी नहीं होगा, ये भी मैं सोच रहा हूँ खस्सी ना कराएं, लेकिन हो सकता है इसे खस्सी करा दें। अभी दोनों ही नर हैं, दोनों ही अंडुल हैं, और माशाल्लाह से बकरे का चेहरा देखिए आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है, बहुत खूबसूरत बकरा है। सिंह के सिक्के एकदम बिल्कुल खड़े हैं, मालवा क्लासिक मालवा सिक्के हैं इसके, और इसके भी ये भी बहुत शानदार है, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कोटा की जैसा है। अरे खा लेगा क्या, कैमरा खा लेगा क्या। और माशाल्लाह से इस बकरे की आप झालर देखिए, ये जो झालर है ये बहुत काम की चीज़ होती है, ये बहुत बकरे की खूबसूरती इससे बहुत बढ़ती है, और ये वक्त के साथ इसकी झालर भी बड़ी होगी, उसका रुआब भी बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। और वेट बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, वेट हम लोग इनको किस तरह से केयर टेक करते हैं, किस तरह से खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, इससे ही वेट बढ़ता है। तो इंशाल्लाह वक्त पे पत्ती मिलना, वक्त पे दाना मिलना, वक्त पे दवाई, अगर बीमार हो गए हैं तो दवाई सही तरीके से करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बच्चे को अच्छे से पालना, घर के बच्चे की तरह पालना पड़ता है इन जानवरों को, तब जाके ये कुछ अपने अंदर अल्लाह के करम से वो आती है, जान आती है, खूबसूरती आती है, रुआब आता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अपने पास एक ये लाल सफ़ेद बकरा और एक है पूरा सफ़ेद बकरा इंशाल्लाह इन्हें हम पालेंगे, इन्हें रखेंगे, अगले साल इन लोगों को देखते हैं क्या होता है फ़र्क। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, इनकी वीडियो बनाएंगे जब भी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।